हाय फ्रेंड्स, क्या आप इस सब्जी की रंगत देखकर गैस कर सकते हैं कि ये कौन सी सब्जी है? चलिए बता देती हूँ, ये है लौकी, जो आधे से ज़्यादा लोगों को घरों में खाना पसंद ही नहीं है। लेकिन जो रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये लौकी की सब्जी कुछ इस तरीके की बनकर आती है कि पनीर को भी टक्कर दे दे। आप मेरी बात सुनकर हंस तो रहे होंगे, लेकिन जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप भी कुछ ऐसा ही कहेंगे। ट्रस्ट मी ऑन दिस थिंग। शेयर करूँगी रेसिपी आपके साथ, पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर से दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लौकी को छील कर लेना है तैयार। तो ये जो लौकी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, ये अप्रॉक्सीमेटली 1 kg की है, लेकिन हम इसका पूरा इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम यहाँ पर 500 टू 600 ग्राम्स ही इस्तेमाल करेंगे लौकी का। तो ये देखिए, लौकी मैंने छील ली है, दोनों सिरे इसके काट दिए, और उसके बाद ये अप्रॉक्सीमेटली 500 टू 600 ग्राम्स के स्लाइसेस मैंने काट कर तैयार कर लिए हैं। अब इसको मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले डालेंगे इसमें नमक, और उसके बाद इस्तेमाल करेंगे इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का 1 चम्मच, 1/4 teaspoon हल्दी, और साथ में 2 से 3 tablespoons इसमें डालेंगे हम बेसन। उसके साथ जाएगा 1 tablespoon के करीब इसमें कुकिंग ऑयल, और सब को अच्छे से कोट कर देना है ताकि मसाले जो हैं वो इसमें अच्छे से कोट हो जाएं। क्योंकि हमने लौकी धोकर इस्तेमाल करी है तो इसमें हल्का गीलापन भी है, जिसकी वजह से स्पाइसेस जो है और बेसन जो है इस पे इस तरीके से चिपक जाता है। बस अब हल्का सा तेल गरम करना है आपको, इतना ही कि सिर्फ लौकी को स्टर फ्राई कर सकें हम, अप्रॉक्सीमेटली 1 tablespoon के करीब, और 2 batches में इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो लौकी के सारे स्लाइसेस इस तरीके से हम लगा देंगे और एक एक साइड को 2-3 मिनट या 4 मिनट तक भी पकने देंगे लो से मीडियम फ्लेम करके, और जब एक साइड करारी हो जाए तो इसको उलट देंगे। तो इस तरीके से स्टर फ्राई करने से लौकी का टेस्ट भी बहुत बढ़िया हो जाता है। हम इसमें बेसन का इस्तेमाल करते हैं तो लौकी में हल्का कुरकुरी सी हो जाती है हमारी लौकी, टेस्ट तो एनहांस हो ही जाता है क्योंकि मसाले से हमने मैरिनेट करा है इसको। और उसके बाद जब हम इसको ग्रेवी में ऐड करते हैं तो थोड़ी सी थिकनेस और टेक्सचर भी अच्छा कर देता है ये ग्रेवी का, क्योंकि बेसन जो है घुल के ग्रेवी में मिलने लगता है। तो ये देखिए, हमारी जो लौकी के स्लाइसेस फ्राई हो गए हैं उसको निकाल लेंगे हम इस तरीके से, और सेम इसी तरीके से दूसरे बैच को भी फ्राई करके तैयार कर लेंगे। एक खास बात जो इसमें आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि लौकी के स्लाइसेस जो हमने कट करे हैं वो थोड़े थिक कट करे हैं। क्यों? ताकि वो टूटे ना जब तक हम उसको बाद में स्टर फ्राई करके ग्रेवी में ऐड करें। तो ये दूसरा बैच भी हम इसी तरीके से फ्राई करके निकाल लेंगे, और उसके बाद चलते हैं अब बनाते हैं ग्रेवी, जिसके लिए 3 से 4 tablespoon तेल को गर्म करा है, जिसमें 1/4 चम्मच हींग, 1 चम्मच जीरा, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 तेज पत्ते का टुकड़ा, साथ साथ 2 हरी इलायची और लौंग डालकर इसको हल्का भून लिया है। अब इसके अंदर 1 medium size की फाइनली डाइस की भी डाल दी है प्याज, जिसको स्टर फ्राई करेंगे हल्का सुनहरा होने तक। तो लगातार इस तरीके से चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे इसको स्टर फ्राई कर लेंगे, और ये देखिए प्याज जब इस तरीके से हल्की सी सुनहरी नज़र आपको आने लगे तो इसके अंदर आपको डालना है अदरक लहसुन का पेस्ट, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 चम्मच। अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ अच्छे से इसको भून लेंगे ताकि उसका कच्चापन बिल्कुल ना रहे। तो इस तरीके से बस इसको मिक्स कर देंगे, और हल्का सा भूनने के बाद इसके अंदर हम इस तरीके की स्मॉल फैट चिलीज का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, जो मैंने 4 से 5 स्मॉल फैट चिलीज काट कर तैयार करी थी। आप चाहे तो रेगुलर ग्रीन चिलीज 2 से 3 ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये स्मॉल फैट चिलीज जो है दिखने में भी बहुत ही बढ़िया लगती है, और इसमें तीखापन बहुत कम होता है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 टमाटर की प्योरे। तो अच्छे बड़े लाल पके हुए टमाटर का इस्तेमाल करें और उसकी प्योरे बनाकर इसमें डाल दें। अब डालेंगे नमक और सूखे मसाले, 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 2 चम्मच धनिया पाउडर, साथ में 1/2 चम्मच हल्दी। सब मसालों को मिक्स करेंगे और तब तक भूनेंगे जब तक मसाला तेल ना छोड़ने लगे। जब इस तरीके से तेल अलग नजर आने लगे ऊपर, तो इसके अंदर डाल देनी है आपको दही।
तो 1/4 कप दही का इस्तेमाल किया गया है। अच्छी थिक दही का इस्तेमाल करना है जिसमें खटास कम हो। साथ साथ दही जो है आपकी रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए, ठंडी नहीं होनी चाहिए, वरना ग्रेवी में डालते ही ग्रेवी आपकी फटने लगेगी। तो 2-4 मिनट इसको पकाने के बाद हमने इसमें डाली है अनियन बल्ब्स, एक बड़ी प्याज के अनियन बल्ब्स काट के इसमें डाल दी है। साथ साथ एक छोटी लाल शिमला मिर्च का इस्तेमाल करा है जिसको डाइस करके इसमें डाल दिया है। आप चाहें तो इसमें हरी शिमला मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसलिए इस्तेमाल नहीं करा है हरी शिमला मिर्च का क्योंकि मैंने स्मॉल फैट चिलीज का इस्तेमाल करा है। इसलिए आपकी टोटल चॉइस है कि आप क्या इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब इसके अंदर डाल दिया थोड़ा सा पानी, अप्रॉक्सीमेटली 1/4 कप, और उसके बाद बस इस तरीके से हमने सारी जो लौकी फ्राई करके तैयार करी थी वो इसके अंदर डाल देनी है ताकि लौकी भी पक जाए। तो लौकी को देख सकते हैं आप, इस तरीके से मैंने लगा दिया लेयर, और हल्के हाथ से इसको मिक्स करना है आपको, क्योंकि इस रेसिपी की सुंदरता ही ये है कि ये स्लाइसेस जो हैं वो टूटे ना। मिक्स करने के बाद धीमी आंच करके ढक्कन ढक के इसको तब तक पकाना है जब तक लौकी आपकी कंप्लीटली सॉफ्ट ना हो जाए, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 7-8 मिनट आपको लग जाएंगे क्योंकि पार्शली कुक्ड है ये लौकी। तो आप फिर से ढक्कन ढक के इसको पका सकते हैं, ज़्यादा देर लगे तो थोड़ी ज़्यादा देर के लिए भी इसको पका सकते हैं थोड़ा और पानी डालकर। तो ये देखिए लौकी अप्रॉक्सीमेटली मैंने 7-8 मिनट के लिए पका ली है और लौकी हमारी ऑलमोस्ट कम्प्लीटली पक चुकी है। हल्की सी कसर अभी इसमें है। तब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी, और साथ साथ अच्छी थिक कुकिंग क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, 2 से 3 टेबलस्पून आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और कुकिंग क्रीम डालकर इसको हम मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर मेन फंडा यही है कि लौकी आपकी ओवर कुक नहीं होनी चाहिए, भले ही अंडर कुक रह जाए तो आप उसको धीमी आंच करके थोड़ा सा पका सकते हैं, लेकिन अगर आप ओवर कुक कर देंगे लौकी को तो स्लाइसेस जो हैं वो टूटने लगेंगे। तो ये देखिए कुकिंग क्रीम डालकर हमने इसको मिक्स कर दिया है। अगर आपको थोड़ी सी थिक नज़र आए ग्रेवी तो आप उसमें गर्म पानी का इस्तेमाल करें इस टाइम पे, जिससे लौकी जो है कम्प्लीटली सॉफ्ट भी हो जाएगी और ग्रेवी एक सार रहती है गर्म पानी इस्तेमाल करने से। बस अब वापस से इसको ढक्कन ढक के तब तक पका लें जब तक लौकी कम्प्लीटली सॉफ्ट ना हो जाए। तो ये 4-5 मिनट के लिए मैंने इसको धीमी आंच पर और पका लिया था, और ये देखिए एकदम बढ़िया रंग आ गया इसमें। और कितनी लाजवाब ये दिख रही है, ये देखिए एकदम अच्छे टेक्सचर वाली ये ग्रेवी बनकर तैयार हो गई है। 2 मिनट के लिए और ढक्कन ढकेंगे जिससे कि तेल जो है अच्छा इसमें से अलग हो जाए, जिससे बहुत ही अच्छा लाल कलर आ जाता है ग्रेवी में। तो हमने इसको अच्छे से पका लिया है लौकी को, और ये देख सकते हैं आप ग्रेवी हमारी अच्छी थिक हो गई है, बहुत ही शानदार सा रंग आ गया है। ये जो हमने अनियन बल्ब्स का इस्तेमाल करा है, बेल पेपर का इस्तेमाल करा है, इसका भी अलग ही फ्लेवर रहता है इस रेसिपी में, और ये स्लाइसेस जो हैं लौकी के देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं इन कलरफुल वेजिटेबल्स के साथ जब हम इसको करते हैं सर्व। तो आई एम श्योर देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा कि कितनी शानदार होगी ये सब्ज़ी, लेकिन जब आप ट्राई करेंगे तो खुद आप एक बार को सरप्राइज हो जाएंगे कि लौकी की सब्ज़ी भी क्या इतनी शानदार बन सकती थी, और अगर ऐसा था तो पहले क्यों नहीं पता चली ये रेसिपी हमको। चलिए कोई बात नहीं, देर सही पर बनाइए इस रेसिपी को, और ज़रूर से मुझे लिखकर बताइएगा अगर आप इसको ट्राई करते हैं। इसकी फ़ोटो क्लिक कीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे टैग ज़रूर से कीजिएगा। अक्सर लोग मुझे फ़ोटोज़ क्लिक करके भेजते हैं, मुझे बहुत ही पसंद आता है देखना, तो ज़रूर से भेजिएगा। बस लास्ट में अब इसमें हम डाल देते हैं तड़का, जो हमेशा मेरी रेसिपीज़ में होता है, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और साथ साथ 1/2 चम्मच गरम मसाला। मिक्स कर दिया है इसको, और अब ये बिल्कुल रेडी है प्लेट आउट करने के लिए। तो गर्मा गर्म ये डिलीशियस लौकी की सब्ज़ी, जो आई एम श्योर देखने में ही समझ में आ रही होगी आपको कि किस तरीके की बनकर आई है, बनाएं खाएं इंजॉय करें और शेयर करें ये रेसिपी। मैं लेती हूँ आपसे विदा, जल्दी हाजिर हो जाऊँगी एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक आप इसे बनाएं खाएं इंजॉय करें और इसे शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स और लव्ड वंस के साथ। गॉड ब्लेस, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।